हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से, भगवान की पूजा करते हुए, क्योंकि आज है हमारी गुड़िया रानी का जन्मदिन और आज वो पूरे 10 साल की हो गई है। देखते ही देखते कब ये 1 से 10 साल की होगी कोई पता नहीं चला और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, कैसे कैसे महीने और साल जो है वो ख़त्म होते जाते हैं। तो आज ये हमारी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो रही है, पूरी 10 साल की हो गई है। तो मैंने कहा चलो इससे पूजा करवा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे और बच्चों को जल्दी रहती है कि जल्दी हमारा केक खोलो और हमें केक कट करना है। सभी बच्चे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आ गए थे। उसका बर्थडे हम कोई मतलब बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया है क्योंकि उसके दादी दादू भी घर पे नहीं हैं और बाकी ये जो बच्चे हैं ये हमारे पड़ोसी हैं सारे, मतलब किराएदार हैं। तो इनको बुला लिया था क्योंकि लावण्या को ऐसा था कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स को बुला लो। ये सब लोग जो हैं क्लासमेट हैं, 4-5 बच्चे ये एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है बच्चों को। और बाकी इसके नाना नानी आए हैं। नाना नानी को कुछ अपना काम है नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन सुबह, तो वो आने वाले थे तो मैंने कहा चलो आ जाओ फिर। और अभी अभी वो भी पहुँचे और यहाँ पर गुड़िया रानी हो चुकी है तैयार और उसका ये बर्थडे वाला जो ये बैच है और ये क्राउन है वो उसकी मासी ने मंगवाया था उसके लिए बहुत पहले। तो यहाँ पर लावण्या को जल्दी हो रही थी और इस बार उसके लिए केक बनाया है हमने डार्क चॉकलेट का क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटू सा केक बनाया है और ये हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो हमारी गुड़िया रानी ने केक कट कर दिया है और यहाँ बोल रही थी कि मम्मा पहले आप छोटा सा वो मंदिर में चढ़ा दो केक कट करके। हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ जब भी केक कट करते हैं तो भगवान को सबसे पहले शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लावण्या जा रही है भगवान को थैंक यू बोलने और मैंने उसे बोला था कि बेटे पहले भगवान को थैंक यू करना चाहिए, तो वो बहुत ही ध्यान से सुनती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और उसके लिए ना मैंने एक प्यारी सी मिडी ड्रेस मंगवाई थी लेकिन वो अभी नहीं पहुँच पाई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आजकल सेल वगैरह चल रही थी तो ऑनलाइन ही मैंने मंगवा दी थी, जाने का टाइम ही नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बिजी आजकल हम चल रहे हैं तो इसकी स्टडीज़ भी है और बहुत कुछ हो गया था तो फिर बाज़ार में इसे लेकर जा ही नहीं पाई। एक दिन मैं गई थी, मैं और सिस्टर, हमने बहुत ट्राई किया लेकिन हमें वैसी ड्रेस नहीं मिली जैसे इसको चाहिए थी। तो फिर ये चंडीगढ़ से वो सूट लेकर आई है इसके लिए और इसे सूट बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने ये पहना दिए हैं। और इसने केक कट किया, सबको खिलाया और उसके बाद ये देखो, इसको पहले ही पता था, इसने पहले बोल दिया था कि सुजल भैया मुँह पर मत लगाना। सुजल को फिर ये लगा कि अब तो तूने याद दिला दिया, मैं तुझे अच्छे से लगाता हूँ। तो ये ना डार्क चॉकलेट केक था और हम मना कर रहे थे सुजल को लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। उसने पूरा मुंह इसका मतलब ख़राब कर दिया था, इसके फ्रेंड्स ने भी, और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी वो हो रही थी, खुश हो रही थी कि भैया जो है मेरा भूत बना रहे हैं तो इसको बना दिया है भूत। ये देखिए, तो यहाँ पर ये है मम्मी पापा, ये भी आ चुके हैं जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले ही ये भी पहुँचे हैं और सबने उसे केक खिला दिया है। तो यहाँ पर मैं बोली थी मुँह साफ कर ली, फिर सुजल ने बोला कि नहीं मम्मा रहने दो, मतलब बर्थडे गर्ल है ये पता लगना चाहिए कि आज इसका बर्थडे है, तो थोड़ी सी आई मुझे साफ कर दी थी। और ये रहे मम्मी और साथ में है पापा जो दे रहे हैं लावण्या को चॉकलेट। और बस इस तरीके से हमने छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन किया है, बच्चे बच्चे थे सारे और बहुत खुश हो जाती है लावण्या। उसे मतलब कुछ और नहीं, उसे ये रहता है कि मेरे फ्रेंड्स को बुला लो। तो इस बार का जो इसका जन्मदिन है कुछ ऐसा रहा। और दादी दादू को ये मिस कर रही थी, बोल रही थी कि मम्मा दादी दादू है नहीं। और ये देखो, मैं बोल रही थी फ़ोटो लेते हैं लेकिन लावण्या बोल रही थी मम्मा ऐसे मेरी फ़ोटोज़ मत लो प्लीज़, मैं मतलब भूत लग रही हूँ। तो बस यहाँ पर हो गया है सेलिब्रेशन और अब हम केक सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों में। और बच्चों ने थोड़ी देर खूब धमाल मचाया था, डांस किया था। और ये रही लावण्या की फ्रेंड अर्शिया और ये लावण्या के लिए गिफ्ट लेकर आई है। तो यहाँ पर ये भी केक खिला रही है और सोच रही थी मुँह में तो क्या लगाऊँ, पूरा मुँह पहले ही भरा है। और ये रहे चुन्नू मुन्नू और मैंने ना हलवा बनाया था आज सूजी का, तो
वो मैंने बच्चों को दे दिया था केक के साथ, और ये रहे सब बच्चे। अच्छा लगा? तो बस इस तरीके से हमने सेलिब्रेशन किया है, और मैं भी यहाँ पर बैठ गई खाने के लिए। और इसके बाद बच्चों ने अच्छा डांस किया था ना, इतना अच्छा डांस किया था। थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये है छाया, ये सुजल की क्लासमेट है, और साथ में ये मुस्कान है, और बस बाकी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो लीजिए अब आप इनका डांस देखिए, आप लोग खूब इंजॉय करेंगे। और लावण्या तो ने तो ना अपने बर्थडे में इतना अच्छा डांस किया है, मजा आ गया। बाय कर परे। तो जी टाइम हो चुका है 9:30 का, और ये रही बर्थडे कल, सब लोग चले गए, हम लोगों ने खाना खा लिया है। हस्बैंड गए हैं गांव, और पापा और सुजल अंदर है, हम बैठ गए हैं यहाँ क्योंकि कब से बोल रही है मम्मा मेरे गिफ्ट जो है वो खोलो। पहले नानी का ही गिफ्ट, नानी ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है, कैंची से काट दे, चले ऐसे ही काट ले हाथ। तो सबसे पहले तो जो इसने ये सूट पहन रखा है, ये इसको स्पेशल आया है चंडीगढ़ से, ये है इसकी मासी मासड़ का गिफ्ट है ना, मासी मासी को थैंक यू। तो ये लेकर आए थे, और मामू का गिफ्ट जो है वो मामू ने मुझे लेने को बोला है, और ये कुछ स्पेशल था भारी सा गिफ्ट जो लावण्या को चाहिए था। अरे भाई इसमें तो कुछ किचन का लग रहा है, अरे भाई इसमें तो किचन सेट लग रहा है। अरे 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 खोल दे ना, ये कोई बोल दे खोलने की, बड़ा ही तगड़ा कर किया हुआ है ना। किसने गिफ्ट वाले ने जहाँ लिया निकाल दे ऊपर, देखो गाइस ये है मेरा गिफ्ट। ठीक है, कबाड़ कबाड़ लाया है, कबाड़ भरा हुआ। अरे भाई वाह, अरे भाई दिखाओ तो ऊपर, तो दिखा दो भाई अब क्या गिफ्ट मिला, दिखा क्या दिया है नानी ने। अरे भाई कासे की चोट, कासे का कटोरा, हाँ कटोरा भीख मांग लिया, कौली कौली। तो जी ये है लावण्या का स्पेशल गिफ्ट, ये जो है दिवेन को भी मिला था, निर्वाण को भी मिला था, उसके बाद जो है ये लावण्या को भी। मम्मी ये भी तेज सा लग रहा है, देखो कोई नहीं जो ही देखे एक बार। और ये है इतनी हॉट चम्मच, हाँ नहीं मोटी तो है पर ये लग रहा है भारी है, भारी है थाली, थाली तो भारी है, इसमें मेरा नाम लग रहा है यहाँ से। हाय मम्मी ये लग रहा है इसमें, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अरे भाई लावण्या का नाम लिखा गया है, चलो भाई मैं तो कोई चन 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 की आवाज से पता चल गया। अच्छा अब हम खोलेंगे इसकी फ्रेंड का गिफ्ट, हाँ चलो खोलो। अच्छा थैंक यू तो बोले नहीं नानी नानू को भाई, थैंक यू। वाओ क्या पैकेज,
थैंक यू थोड़ी बोलती है, इसको गिफ्ट चाहिए सर। खोल पे खोल के आया ये कुछ कप को क्या है। अरे वाह, ये को तो सिंपल मिल गया। अरे कितना क्यूट है ना। अच्छा अर्शिया को थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू अर्शिया। अभी वो देख नहीं रही है शायद से। अभी नहीं देखेगी तो देखेगी। वो कितना क्यूट है माँ। क्यूट है तो कैसे। तो जी ये है लावण्या के गिफ्ट। हाँ और मैं बता रही थी कि जो मैंने शूज मंगवाए थे ना इसके लिए, वो किसको आए? वो मम्मी को आया। मैंने जो इसको शूज मंगवाए थे वो मम्मी को फिट आए, तो मम्मी को वो मम्मी ने वो रख लिए हैं और मम्मी ने बोला इसके लिए और मंगवा लो। तो वो जो है अभी सेम तो मिल नहीं रहे, अब देखती हूँ मैं उस मंगवा लूंगी इसके लिए दूसरे शूज। और मेरी तबीयत ऐसी हो गई है, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। आज मैंने पूरे घर की सफाई की है और उसके बाद सुन लिए ब्लूटूथ ऑफ कर दे, उसमें लाइट जल रही है। दिवेन को भी तो यही मिला था, निर्वाण को भी यही मिला। तुझे क्या चाहिए? दिवेन मैंने नानी से मांगा है जो मेरे को। ये तो डिमांड ही खतरनाक हो भाई। नानी ने बोला था आशी, और नानी ने बोला क्या नानी? तो जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब वो कर चांदी का कड़ा, वो पता कितने का होगा? पता नहीं 8-10 हज़ार का। एक ही है ना? एक ही। अभी क्या करना तेने? मैंने ना आज कंघी भी नहीं की। अभी क्या करना तेने चांदी का कड़ा? अभी तो क्या ही करना, अभी तो हॉस्टल में क्या करना प्लस टू के बाद। तो जी अभी इधर बिछाई है बेडशीट, और ये वाली जो बेडशीट है ना ये मैंने काफी पहले जो है अमेजोन से मंगवाई थी, मैंने रिव्यू भी शेयर किया था और देखो कितनी अच्छी लग रही है। मंगवाई नहीं थी मतलब मुझे अमेजोन वालों ने भिजवाई थी वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो बनी थी इसकी। और ये मैंने ना बिछाई नहीं थी, मुझे लग रहा था कि ये जो है छोटी होगी शायद, मतलब ऐसी वाली बेडशीट, क्योंकि ये 300 समथिंग की थी तो मुझे लग रहा था ये छोटी ना हो। आज मेरे हाथ वैसे ही लगी, मैंने वूलन वाली बिछाने वाली थी, फिर मम्मी ने बोला कि वूलन मत बिछा अभी, अभी ये ठीक है। तो फिर मैंने ये वाली बिछाई, देखो कितनी अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है लावण्या? बहुत अच्छी लग रही है ना। मेरे को लगा ना वहाँ पर कोई पिल्लो है। आज मैंने बेडशीट निकाली थी, सिर्फ हॉल में ही बिछाई थी, यानी बिछाई थी यहाँ पर। मुझे लग रहा था बाद में बिछाऊंगी क्योंकि मैं लेट हो गई थी खाना बनाने के लिए, तो बस यहाँ पर बिछाऊंगी अभी। और लड़की बैग कहाँ रखा है? ग्रीन टी। अरे है पतिदेव, हेलो, जो खा रहे हैं 10-10:30 बजे खाना सबका हो चुका है। और मम्मी पापा अय्या लावण्या जो है वो मम्मी पापा के पास सो गई है, सो रही है मतलब। और मैं आई हूँ अपनी ग्रीन टी लेके, मैं अभी पीऊँगी क्योंकि खाना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और 8:30-9 बजे नहीं तो हम लोग जल्दी खा लेते। मैं और लावण्या केक वगैरह खा लिया था ना, तो फिर ये जो है बहुत अच्छे से काम करती है ग्रीन टी बिना शुगर हनी की। शुगर तो होती नहीं, मतलब कई लोग डालते हैं ना हनी। और ये भी उठा दो नीचे वाला, उठाओ दिखाऊं उठाओ नहीं उठाना उठाओ नहीं उठाना मैं नहीं उठाऊंगी तो मैं उठाओगे। तो ये गए थे गांव, गांव में मीटिंग है, मतलब गांव वालों की मीटिंग थी, तो वहाँ ये चले गए थे केक कट होने के बाद। उसके बाद अभी आए हैं, और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना आज, क्योंकि अब जो है ना ये काम एक साथ ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं सोच रही थी दिवाली की सफाई अब जो है धीरे धीरे करनी पड़ेगी, पहले एक रूम साफ़ करना पड़ेगा फिर दूसरा रूम, क्योंकि ये जो विंडोज़ है ना मेरी तरफ वाली जो इधर की विंडो है यहाँ पर इतनी धूल आती है और खिड़कियाँ खुली होती हैं, जाली वगैरह सारी जो है मतलब धूल से वो हुई हुई हैं। तो अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी धीरे धीरे एक एक कमरे की, मतलब एक एक साइड की खिड़कियाँ, क्योंकि हर रूम में जो है दो दो खिड़कियाँ ये 3 पल्ले वाली तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें ग्रिल्स भी हैं और शीशे भी हैं। तो अभी मैंने कंघी की बाहर बैठ के, नहीं तो ना मैंने आज कंघी नहीं की थी।
और बाल आजकल बहुत अच्छे हो रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो बस मैं भूल गई थी, फिर सुजल ने जो है वो स्टार्ट कर दी थी वीडियो बनाना, और क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा बिजी थी, कल वाली वीडियो का भी आज ही एंड किया था। फिर आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मुझे ना आलस सा लगता है। तो सुजल ने स्टार्ट कर दी थी, मैंने वेलकम वगैरह मतलब वैसे ही वॉइस ओवर किया है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। और बस यही था, रोहित दिव्या नहीं मतलब वो नहीं आ सके, मैंने बोला भी नहीं था, उन्होंने परसों ही बोल दिया था कि हमारी जो छुट्टी नहीं है, सिस्टर के पास भी नहीं है, तो फिर किसी को हमने बुलाया नहीं। बस मम्मी पापा जो आए हैं इनको अपना काम है, और बस एक दो दिन में आपके समय शेयर कर दूँगी, जो आपको मैंने बोला था कि ये यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो इनका यहाँ पर काम है, इनको आना ही था कल के लिए, तो फिर ये उस वजह से आज आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली बर्थडे के लिए आए हैं, तो ऐसी ऐसी बात है। लावण्या खुश है क्योंकि सुजल भी आ गया, वैसे उसे पता था कि सुजल नहीं होगा इस बार, तो सैड सी हो रही थी, तो सुजल आ गया। और बस सुजल की तबीयत भी ठीक है, उसको दवाई वगैरह अभी सारी मैं पिला कर आई हूँ, छोटे बच्चे की तरह, नहीं तो खाता ही नहीं है, तो उसको दवाई वगैरह सारी दे दी है, और कल ले जाऊँगी उसको मैं डॉक्टर के पास सुबह, देखती हूँ क्या बोलते हैं क्या नहीं, दोबारा से अल्ट्रासाउंड करते हैं कि है कि नहीं, क्योंकि स्कूल वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर से ट्रीटमेंट करवा लो, तो अब कल जाऊँगी मैं इसके साथ हॉस्पिटल। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।